हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक्सेल में एज निकालते हैं। तो एज, अब ये एज कहाँ यूज होती है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट का हमें डेट ऑफ बर्थ दिया होता है और हमें करंट एज निकालनी होती है, या फिर कहीं कहीं ऑफिस में क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉई हैं उन्होंने उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनका करंट में कितने ईयर के वो हो चुके हैं। तो इस तरीके का डेटा रहता है हमारे पास में, तो हमें ये निकालना होता है। तो इस एक्सेल में किस तरीके से निकालते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक्सेल को। हमने लिखा एक्सेल, ये एक्सेल की सीट हमारे सामने आ चुकी है। हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं, यहाँ डी ओ बी लिखेंगे और उनका हमें एज निकालना है। एज निकालेंगे तो हम यहाँ पर कुछ नाम लिखते हैं, अमन, ये मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए। अब इनका कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं हम यहां पर, 2008, ये डेट ऑफ बर्थ हमने लिख ली है। अब हम किस तरीके से ये निकालने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहां पर, डेट डिफ। डेट डिफ, डेट के बीच में डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, देन कॉमा। अब करंट डेट में, आज की डेट में आप निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्टली आप एज भी, आज का डेट भी डाल सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टूडे। टूडे इस ब्रेकेट को हम क्लोज करेंगे, ये टूडे का ब्रेकेट है, कॉमा लगाएंगे। अब हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर ओनली ईयर निकालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस लगाएंगे, वाई फॉर ईयर के लिए। अगर आप वाई एम लगाएंगे तो मंथ के लिए रहेगा, और अगर हम एम डी लगाएंगे तो डे के लिए रहेगा। चलिए वो भी मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं। तो ये आपने लगाया इस तरीके से फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आपने देखा कि इसकी करंट ईयर आ गया, कि ईयर कितना हो चुका है, ये कितने ईयर का ये है। इसको हम ड्रैग करेंगे, ये देखिए इनका ईयर आ गया, कि ये 30 ईयर का है, ये 20 ईयर का, 23 ईयर का है, ये 15 ईयर का है, ये 13 ईयर का है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आज की डेट में इनका करंट ईयर क्या है, डेट क्या है, मंथ क्या है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हमने यहां पर ये तो लिखा ईयर, अब हमें निकालना है कि आज की डेट में कितने मंथ, कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डे के हो चुके हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ डाला मंथ और हम डे निकालने वाले हैं। जैसा कि आपने कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में आपको लिखने के लिए आता है कि एग्जैक्ट डेट में इस डेट को आप कितने ईयर के, कितने मंथ, कितने दिन के हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, डेट डिफ, सेम फॉर्मूला रहेगा आपका, डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब करंट डेट में निकालना है, आज की डेट में निकालना है, तो आप टूडे यूज करेंगे, टूडे फंक्शन का यूज करने वाले हैं, कॉमा। अब ईयर हमने निकाल लिया, हम निकालने वाले क्या है, मंथ। तो वाई एम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको स्मॉल में बता देता हूँ, वाई एम मतलब ईयर में से मंथ निकालने हैं आपको, और ब्रेकेट को क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो देखिए ये 30 ईयर 8 मंथ का हो चुका है। अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये आ चुका है। अब यहीं पर आप क्या करने वाले हैं, अब डे निकालेंगे। तो डे के लिए हम फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे, डेट डिफ, डेट डिफ ब्रेकेट क्लोज, डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और टुडे फंक्शन, क्योंकि आज की डेट में हम निकालने वाले हैं, टुडे फंक्शन क्लोज। अब हमें निकालने क्या है, डे निकालने, तो डे किस में से निकलेंगे, मंथ में से। तो इन्वर्टेड कॉमा,
MD, आप स्मॉल कैपिटल लेटर कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों पे वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, इसको एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करते हैं, तो ये देखेंगे आपका यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर आपका आ चुका है। अब बात आती है कि आपको पर्टिकुलर डेट में निकालना है तो उसमें आपको क्या करना होगा। सिंपल, आपको पर्टिकुलर डेट में निकालना है, जैसा कि आपके फॉर्म में पूछा जाता है कि 1 जुलाई को या 1 जनवरी को क्या है आपका, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये टुडे फंक्शन की जगह वो डेट लगा देंगे। जैसे आपको फर्स्ट फर्स्ट जुलाई 2021 में आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट जुलाई इट मींस 7 एंड 2021, आपको सिंपली ये लिखना है। अब ये देखिए एक एरर आया है, अब एरर आया है, इस एरर को कैसे सही करेंगे, तो इसमें होता क्या है, आपको ये देखना है कि आपके सिस्टम में जो डेट का फॉर्मेट है आपको सेम वही फॉर्मेट डालना है। तो देखिए पहले डेट है और यहाँ पर मंथ है और ईयर है, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक क्या किया है, ये देखिए डेट मुझे यहाँ पर इस तरीके से लिखना है 07, और यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है, देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम कैसे दूर होती है, डायरेक्टली आपने यहां पर ध्यान ये रखना है कि मैंने फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला में मैंने क्या किया था, डायरेक्टली डेट दी थी, जैसे कि 01/07/2021। अब ये यहां पर ये एरर आया था, लेकिन आपको डायरेक्टली यहां पर डेट नहीं लिखनी है। डेट के लिए हम क्या करेंगे, एक अदर कॉलम में हम या किसी सेल में लिखते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर एक सेल में लिख देता हूँ डेट। अब डेट में क्या है, किस डेट को आप निकालने वाले हैं, तो 01/07/2021 हमें इस सेल का एड्रेस देना है। इस डेट की जगह हम क्या करेंगे, इस सेल का एड्रेस दे देंगे और एंटर करते हैं, तो देखिए आपका ये फॉर्मूला। अब ये मैंने ड्रैग करने पर क्या आया, ये सेल चेंज हो गया, तो मुझे सब में वही सेम रखना है C1, ठीक है C1 C1 और C1। अब ये बार बार ड्रैग करने पर यहां पर चेंज हो रहा है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं C1, अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, ये C2, C4, C3, C4 हो जाएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास में, देखिए अब यहाँ पर एरर आ गया। एरर इसलिए आया है क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए C1 हो गया यहाँ पर, ये C2 हो गया। अब इसको फिक्स करने के लिए आपके पास में एक सॉल्यूशन होता है कि आप इसको क्या कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज कैसे करेंगे, आप F4 से, कीबोर्ड में F4 की से इसको लॉक कर देंगे, तो ये हो गया आपका लॉक। एंटर कीजिए, अब ये एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा, तो आप इसे ड्रैग कीजिए और आपने देखा कि देखिए C1 एड्रेस आपका चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर डेट में निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट को क्या आपका ईयर हुआ है, क्या मंथ हुआ है, क्या डे हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।